वेलकम बैक। नींद नहीं आना, इंसोम्निया का इशू, ये एक जनरल इशू है जो आज की स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में हम सब लोग फेस करते हैं कहीं ना कहीं। किसी किसी को हफ्ते के सातों दिन इंसोम्निया का इशू होता है और किसी को हफ्ते में दो दिन। तो ये कभी ना कभी आपने भी महसूस किया होगा कि आप भी कभी बेड पे 12 बजे चले जाते, देर से दो तीन बजे तक आप करवटें बदलते रहते। तो आज मैं इसके रीजंस बताऊंगा कि क्या रीजंस है जिस वजह से आपको रात में नींद नहीं आती है, और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कितना सोना चाहिए और हमारे लिए सोना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, हमें 7 से 9 घंटे की, एक प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है, सबसे पहला रीजन। और दूसरा रीजन, ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स के, हार्ट, आपके नर्वस सिस्टम, आपके ब्लड सर्कुलेशन, इसको फंक्शनिंग में, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है अगर आप सही समय पर और पूरी नींद निकालते हैं। तो अब आता हूं कि रीजंस क्या है आपको नींद नहीं आने के, और मैं आज आपको 10 रीजंस बताऊंगा, साथ ही साथ सॉल्यूशंस बताऊंगा। और आपको वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि विदिन 5 सेकंड्स अगर आप वो चीज करते हैं तो विदिन 5 सेकंड्स आपको यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। सो वीडियो पे बने रहिए, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज, अभी गर्मियों का सीजन चालू है फ्रेंड्स, तो इस पर भी मैं कुछ कनेक्ट करने वाला हूं, तो पूरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला रीजन, नो फिजिकल एक्सरसाइज। नो फिजिकल एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि अभी गर्मियों के सीजन में हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अगर आप, और अभी जैसा लॉकडाउन का वक्त चालू है, लॉकडाउन का टाइम चालू है, COVID-19 की वजह से हम सभी लोग घरों में, तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कम हो गया है या बंद हो गया है। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, अभी हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस चालू है, तो ऑनलाइन क्लासेस जब आप करते हैं तो उसमें उतना पूरा वर्कआउट नहीं हो पाता, आपका फोकस डिस्टर्ब होता है, तो अभी हम कहीं जिम या फिटनेस सेंटर्स भी नहीं जा पा रहे। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होना, ये सबसे पहला रीजन है आपको नींद नहीं आने का। सेकंड रीजन इसका है, रात के समय में बिफोर गोइंग टू बेड इफ यू ईट चॉकलेट, या आप कोई भी शुगर की चीज ज्यादा खा लेते हैं, या आप देखिए अगर आप दूध भी पीते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि दूध पीने से नींद आती है, बिल्कुल सही, पर दूध पीने से अगर आप उसमें शक्कर डाल के पीते हैं तो वो शुगर इंटेक आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, और शुगर जो है आपको एनर्जी देने का काम करता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको रात के समय में नींद डिस्टर्ब होती है। तो मेक श्योर अगर आप शुगर खा रहे हैं रात के समय में तो उसको अवॉइड करना है आपको। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि रात में 8-9 बजे के बाद में, इसलिए हमारे पुराने जमाने के पूर्वज लोग ये बोलते थे कि खाना जल्दी खा लीजिए, आज साइंस भी वही चीज बोलता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जब आप फैट की चीजें या रात में लेट नाइट डिनर करते तो भी आपकी बॉडी में शुगर स्पाइक होती है, इंक्रीज होती है, तो ये आपके नींद को डिस्टर्ब करती है। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप रात में शुगर के को अवॉइड कीजिए, अगर आप दूध भी पीते हैं तो बिना शुगर के दूध पीजिए। इसके तीसरे रीजन की बात करता हूं तो नॉन रेगुलर स्लीपिंग टाइम। नॉन रेगुलर स्लीपिंग टाइम से मेरा मतलब है कि अगर आप नींद का एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं करते, कभी आप थोड़ा गर्मी का सीजन है, अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सोते हैं, कभी 12 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है आपकी नींद न आने का। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूं, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है एक हार्मोन होता है जो आपके साइकिल को, जो आपके डे की साइकिल को फिक्स करता है। जब आप कोई भी चीज रेगुलर एक्टिविटी करते हैं तो ये मेलेटोनिन हार्मोन आपको उस अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के साइकिल में डालने का काम करता है। जब ये साइकिल नहीं बन पाती तो ये मेलेटोनिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो मेलेटोनिन हार्मोन प्रॉपरली वर्क करे इसलिए अपने डेली रूटीन को फिक्स कीजिए। अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो रेगुलर बेसिस पे, देखिए कभी ना कभी पार्टीज करते हैं, हम नाइट आउट करते हैं, दैट इज डिफरेंट केस, बट इसके बिसाइड्स मेक श्योर कि आप अपने डेली रूटीन का एक साइकिल बनाइए। अब आता हूँ फ्रेंड्स इसके चौथे रीजन पे। चौथा रीजन है स्लीपिंग मोर इन द आफ्टरनून। अगर कभी कभी आप रात में नींद नहीं आती है, उसके पीछे का एक रीजन होता है कि आप दोपहर में बहुत ज्यादा सो चुके होते हैं या लेट इवनिंग तक सो चुके होते, तो ये भी एक रीजन होता है। अब आप बोलेंगे कि कॉमन सा रीजन, पर देखिए करना क्या है, अगर आपको दोपहर में सोना ही है तो आधे से एक घंटा मेक श्योर, एंड दैट शुड बी बिफोर 4 o'clock। ऐसा ना हो कि आप 5-6 इवनिंग के 5-6 बजे तक सो रहे हो, तो ये आपकी नींद को रेगुलर बेसिस पे डिस्टर्ब करने का काम करेगा।
इसका पांचवा रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आज की डे टू डे लाइफ में, हम बच्चे हो बूढ़े हो या जवान हो, सभी लोग मोबाइल फोन्स का यूज ज्यादा करते हैं, या लेट नाइट तक आप टीवी देखते हैं या आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, तो ये एक बड़ा रीजन होता है आपकी नींद को डिस्टर्ब करने का। द रीजन बिहाइंड इट कि जो मोबाइल की, टीवी की और कंप्यूटर लैपटॉप्स की आपके आईज पे कंटिन्यूसली रेज आती है, वो रेज आपको अवेकनिंग रखने में, आपको जगाते रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब भी आप रात में अवॉइड कीजिए काम करना, और अगर करते भी है तो जो ब्लू रेज गॉगल्स यूज कीजिए, ताकि आपके आईज पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो आपके माइंड और ब्रेन तक ना जाए, और आपके सेरोटोनिन हॉर्मोन्स और मेलेटोनिन हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब ना करे उसके साइकिल को। इसका छठवें रीजन की बात करूँ तो कैफीन, कॉफी, टी ज़्यादा कंज्यूम करना बिफोर बेड और इन द इवनिंग टाइम, क्योंकि कैफीन आपकी बॉडी को अवेकनिंग रखने में, आपकी बॉडी को जागरूक रखने में, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है। तो अगर आपने कॉफी, चाय या कैफीन की कोई भी चीज लेट इवनिंग या इवनिंग के टाइम पे पिया है, तो ये भी एक रीजन होता है कि आपको नींद समय पे नहीं आती है और आप जागते रहते हैं। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि अगर आपको इन सब चीजों से इम्पैक्ट होता है आपकी नींद पे कि आपने कैफीन लिया, देखिए आपको जज करना है कि आपने उस पर्टिकुलर डे पर क्या मिस्टेक करी है जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है साथ ही साथ, कि अगर आप कैफीन या ऐसी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और कंट्रोल नहीं कर सकते तो थोड़ा जल्दी पीने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको अगर आदत ही है चाय पीने की और 6 बजे 7 बजे आप इवनिंग में चाय पीते, तो कोशिश कीजिए उसे 4 से 5 के बीच में रखने की। तो दिस कुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस। इसका सातवां रीजन है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी में, आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो है वो लाइट्स को बहुत इजीली समझ जाते हैं। देखिए आपको लगता है सिर्फ आपकी आईज से लाइट जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको तो अवॉइड करना ही है। साथ ही साथ अगर आप लाइट भरे कमरे में या लाइट जहां पर लाइट चालू है उस कमरे में सो रहे हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, वो ये चीज को इजीली कैच करते हैं, और ये एक बड़ा रीजन होता है कि आपको नींद नहीं आती। अगर आपको लाइट के बिना नींद नहीं आती तो डिम लाइट चलाइए, ये मेक श्योर कीजिए कि लाइट भरे कमरे में या उजाले भरे कमरे में सोने को अवॉइड कीजिए। इसके आठवें रीजन पे आता हूं। देखिए आठवां रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब इस पर मैं है ना पहले वीडियो भी बना चुका हूं स्ट्रेस और थिंकिंग को लेकर, कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं या डिप्रेशन में किसी स्ट्रेस से, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से, जिस आप लॉकडाउन में की वजह से भी काफी लोग स्ट्रेस में हैं, उनके बिजनेस या वर्क या जॉब इम्पैक्ट हो गए या उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, तो कहीं ना कहीं, तो इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग एक वन ऑफ द रीजन है कि आपको रात में नींद समय पे नहीं आती है। तो आपको करना क्या है, इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि कोई बुक रीड कीजिए। अच्छा बुक रीड, अब आप बोलेंगे मोबाइल फोन यूज करने के लिए मना बोल रहा हूँ या आपको लैपटॉप और टीवी यूज करने के लिए मना बोल रहा हूँ बुक पढ़ने के लिए, देखिए बुक पढ़ने से, रिसर्च ने प्रूव किया है कि बुक पढ़ने से आपके माइंड के वो हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं जो जनरल डे टू डे लाइफ में कोई चीज से बात करने से या देखने से जनरेट नहीं होते, और ये आपकी बॉडी को स्लीप देने का काम करते हैं। इसलिए याद है आपको फ्रेंड्स, जब आप स्टडीज करते थे या मैं जब स्टडीज करता था, हम बुक्स पढ़ते थे, हमको नींद आने लगती थी। द रीजन बिहाइंड इट कि आपकी बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स जनरेट होने लगते हैं जो आपको स्लीप देने का काम करते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप कोई बुक रीड करें, कोई जो भी बुक आपको पसंद है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगी और आपको नींद लाने में मदद करेगी, आपके दिमाग को शांत रखने में मदद करेगी। और स्ट्रेस और डिप्रेशन को अगर आपको कम करना है, ओवर थिंकिंग को कम करना है, तो मेडिटेशन एक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन है वो मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका अगला रीजन जो है, इसका रीजन तो नहीं बोल सकता, अगर आपको नींद नहीं आती है इसके बिसाइड्स भी, तो कई बार आप ठंडे पानी से नहा लेते हैं सोने के पहले, तो ये मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप सो रहे हैं तो लिटिल वार्म वाटर से नहाइए, या ना तो बहुत गर्म पानी से नहाना है और ना बहुत ठंडे पानी से नहाना है, एकदम लुक वार्म वाटर, जो एकदम प्लेन वाटर जिसको आप बोल सकते हैं, ना तो जो ठंडा हो ना गर्म हो, उस पानी से नहा के जब आप सोते हैं तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आउटर टेम्परेचर को, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को, और आपके बॉडी के इनर टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। तो इसलिए मैंने कहा ना तो आप ज़्यादा गर्म पानी से नहाइए और ना ज़्यादा ठंडे पानी से नहाइए।
अब आता हूं फ्रेंड्स इसके 10वें रीजन पे। सॉल्यूशन भी बताते जा रहा हूं मैं आपको साथ ही साथ, और इसके आखिरी में मैं आपको बोनस देने वाला हूं, और जो आखिरी में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। इसका 10वां जो रीजन है वो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी में वात प्रकृति है, अगर आपको ज्यादा आपकी बॉडी में एयर है, गैस बनती है, तो ये एक बड़ा रीजन है जो आपको नींद नहीं आने देता है। तो वात अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो ये आपके नींद में डिस्टर्ब करेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए जब भी आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी पीजिए, ये वात नाशक होता है। दूसरी चीज, थोड़ा आंवला खाने की कोशिश कीजिए डे टू डे बेसिस पर। और तीसरी चीज, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितना हो सके ठंडी चीजों को अवॉइड कीजिए ताकि आपकी बॉडी में वात न बढ़ सके। तो ये हो गया वात आपके कंट्रोल करने का रीजन, और जितनी भी वात नाशक चीजें हैं उनका सेवन आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कहा था कि बोनस देने वाला हूं। देखिए अभी गर्मियों का सीजन चालू है, और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो आपको प्रॉब्लम, नींद की जो प्रॉब्लम है, लेट नाइट स्लीप, नींद नहीं आना, उसका रीजन और उसका प्रॉब्लम होता है गर्मियों के सीजन में। रीजन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं आऊंगा मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स पे, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी और फिजिकल एक्टिविटी की जो पहला पॉइंट था। अब होता क्या है, गर्मियों के सीजन में पहली चीज, हम धूप में नहीं जाते हैं, हम अवॉइड करते हैं दोपहर में क्योंकि गर्म बहुत धूप ज्यादा होती है, पहली चीज। अब धूप से कैसे रिलेशन है वो बताऊंगा। दूसरी चीज, हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। लोगों के दिमाग में होता है कि गर्मियों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, नहीं, कम करिए, पर वर्कआउट रेगुलरली कीजिए, लाइट कीजिए, थोड़ा चलेगा। आप योगा, पावर योगा, ऐसा कुछ लाइट वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी मिल सके ना। और आता हूं जब आप धूप में जाते हैं दोस्तों, तो धूप में जैसे ठंड के सीजन में हमको नींद आने की उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है। रीजन होता है कि बॉडी जब ठंडी होती है तो आप उसको चद्दर ओढ़ के कवर कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। एसी चलाते तो नींद आ जाती, क्यों, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर से मैच करने के लिए आप चद्दर ओढ़ लेते हैं, पर गर्मी में क्या करें। तो सबसे पहला रीजन होता क्या है, सबसे बड़ा रीजन बोलूंगा, आपकी बॉडी को धूप नहीं मिलती, और धूप से आपकी बॉडी में जनरेट होता है सेरोटोनिन हार्मोन। ये सेरोटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, ये मेलाटोनिन जो जिसकी बात मैंने पहले की थी वीडियो में, ये मेलाटोनिन हार्मोन, और इसलिए मैंने कहा था वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाए, ये सेरोटोनिन हार्मोन मेलाटोनिन हार्मोन को मैसेज पास करने का काम करता है। तो जब आप धूप लेते हैं, देखिए थोड़ा सा धूप लीजिए, अभी लॉकडाउन की वजह से एक और इशू हो रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले, तो आपको क्या करना है, 8 से 9 या 10 बजे तक की धूप और शाम में 4:30-5 बजे के बाद की धूप आप अपनी बॉडी पे ले सकते हैं, और जरूर जाइए धूप। इससे होगा क्या, सेरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में जनरेट होगा। अब आप सोच में पड़े होंगे धूप मेरे घर में कहाँ से आएगी, मेरे पास तो छत नहीं है, टेरेस पे जा नहीं सकता हूँ, टेरेस नहीं है, या आप अगर कोई फ्लैट्स में रहते हैं तो वहां पे भी धूप का इशू। थोड़ा सा बाहर उस समय घूम लेंगे तो भी आपको, अगर डायरेक्टली सनलाइट नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली भी मिल रहा है, तो दैट विल हेल्प यू। करना क्या है, थोड़ा सा धूप में जाइए, ये धूप को एब्जॉर्ब होने दीजिए, ये आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बनाने का काम करता है। और सेरोटोनिन हार्मोन जब बनता है तो ये आपके मेलाटोनिन को प्रोसेस में डालता है, और मेलाटोनिन हार्मोन जब प्रोसेस में आता है तो आपको नींद समय पे आती है। अब ये हो गया, अगर आपको फिर भी कोई कमेंट और कोई क्वेश्चन है तो नीचे जाकर पूछिए बेहिचक। देखिए कुछ लोगों के पास में मेरे नंबर है, पर्सनल नंबर है, जिन जो ये लोग वीडियो देखते हैं, तो मेरे से वहां पूछने की बजाय कमेंट में जाकर पूछिए, हमेशा बोलता हूँ। उससे होता क्या है, आपके क्वेश्चन के साथ साथ कई दूसरे लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी जवाब मिल जाता है। तो ये अब बोनस था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि 5 सेकंड में मैं आपको फील स्लीपी करा सकता हूँ। करना क्या है, देखिए जब आपको बिस्तर पे आप लेटे हैं, बैक पे लेटे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको करना है, ध्यान से देख लीजिएगा, गलत मत करिएगा, लेटे लेटे ही करना है। इनहेल किया, और इनहेल करने के साथ साथ, यहां पे पंखा नहीं चला सकता हूं जैसा मैंने पहले भी बताया, नहीं तो साउंड कट हो जाता है। तो इनहेल किया आपने और सांस को होल्ड करना है आधे से एक सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड नहीं, आधे से एक सेकंड अंदर होल्ड कीजिए और मुंह से बाहर निकालिए, फिर इनहेल नोज से,
आप ऐसा 5 बार कीजिए, उसके पहले आपको यॉनिंग आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। चाहे तो अभी वीडियो देखते देखते ही कर सकते हैं आप, कितना भी सोए हो आपको यॉनिंग आने लगेगी। ये प्रूवन ट्रीटमेंट है, सिर्फ आपको इनहेल करना है, होल्ड करना है आधे से एक सेकेंड और एक्सहेल करना है। तो ये आपको विदिन 5 सेकेंड्स यू विल स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। हो सकता है शायद आप तीसरे या चौथा इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो उसी में आपको यॉनिंग आने लग जाए। पर फ्रेंड्स, इसके बिसाइड्स आपको भी कुछ काम करना होगा, कुछ करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ पाने के लिए कुछ करना होता है। तो एक चीज जरूर कीजिए, मोबाइल फोन का यूज बहुत टेम्पटिंग होता है रात में सोते समय, तो वो अवॉइड करना है आपको, लैपटॉप, डेस्कटॉप और कंप्यूटर। साथ ही साथ देखिए, जो आपका बिस्तर है वो बेड को आप है ना डे टू डे लाइफ में रेगुलर काम के लिए यूज मत कीजिए कि उसी पर बैठ के आप लैपटॉप से काम कर रहे हो, उसी पर बैठ के खाना खा लेते हैं। कई बार ये एक बड़ा रीजन होता है फ्रेंड्स कि आपको नींद नहीं आने का, क्योंकि वो बेड आपको एक साइकिल में डालने में प्रॉब्लम देता है। क्यों प्रॉब्लम देता है? क्योंकि आप उस पर दिन भर के काम कर रहे, जमाने भर के काम बेड पे ही कर रहे। तो बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज कीजिए। और दूसरी चीज, अपने रूम को थोड़ा कोजी रखने की कोशिश कीजिए। बड़ा रूम होता है, बड़ा हॉल जैसे रूम में अगर आप सोते हैं, तो ये भी आपकी नींद को कहीं ना कहीं साइंटिफिकली इफेक्ट करता है। इससे ज्यादा मैं नॉलेज इस वीडियो में नहीं दे सकता, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है। आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। मेरे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे रेगुलरली डालते रहता हूँ, तो वहां पे जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि इस वीडियो को उनको जरूरत है। हमेशा की तरह मेरे वीडियोस को आकर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखने के साथ साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन से, आप किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट में जाकर लिखिए। ये वीडियो जो है मेरे फ्रेंड आशुतोष यादव ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं नींद ना आने के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो उनके बोलने पे मैंने बनाया है। तो ऐसे ही आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो मुझे प्लीज कमेंट में जाकर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।